ठीक है तुम्हारे बेड पर नहीं पानी फेंकना चाहिए था तुम्हारे ऊपर पानी फेंकना चाहिए था सुर अगर आप मुझे नहीं बताएंगी मैंने आपसे बात ही नहीं करनी तुम बहुत जिद्दी नहीं होती जा रही अच्छा बताएं, बताएं जल्दी अच्छा तो बात ऐसे है कुछ कि जब आपकी अम्मा उसको लेने वहां अच्छा अब देखिएगा मैं स्वागत करूंगी क्या

अस्सलाम वालेकुम ड्रामा सीरियल मोहब्बत गुमशुदा मीरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे दनियाल को तो पहले ही अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है किसने जोबिया के साथ गलत किया है इस बात का जिक्र वो किसी के सामने नहीं करता आने वाली एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप देखेंगे धनियाल अभी तक ूबी की किए की, की सजा रोशना को दे रहा है इसके खाद हाँ जब बेटी की पैदाइश होगी तो वो रोशना से नाराज होकर चला जाएगा और इसे बोलेगा कि मुझे बेटी नहीं चाहिए थी क्योंकि ये भी बड़ी होकर ी की तरह होगी इसलिए वो खुश नहीं होगा जबकि उधर झूबी से जुदाई के बाद सैम जहाँ भी जाएगा इसकी जिंदगी में वो पुरानी रौन के वापस नहीं आएगी हंसना बोलना छोड़ देगा किसी से बात भी नहीं करेगा अगर करेगा भी तो बदतमीजी से दूसरी जानब आप देखेंगे कि जूबी के पास अब कोई ठिकाना नहीं बचा जहां वो रह सके हालांकि बेटी ने इसका जीना हराम कर दिया है अब ना तो वो घर वापस आ सकती है और ना ही सायम के पास जा सकती है अगर वो सायम को इस तरह अकेला ना छोड़ती और इस पर शक ना करती तो हो सकता है आज वो सैम के साथ होती वालेकुम वीबर्स ड्रामा सीरियल मोहब्बत गुमशुदा मिरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे धनियाल को तो पहले ही अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है कि इसने जोबिया के साथ गलत किया है इस बात का जिक्र वो किसी के सामने नहीं करता आने वाली एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप देखेंगे धनियाल अभी तक जोबी की किए की सज़ा रोशना को दे रहा है इसके खा जब बेटी की पैदाइश होगी तो वो रोशना से नाराज होकर चला जाएगा और इसे बोलेगा कि मुझे बेटी नहीं चाहिए थी क्योंकि ये भी बड़ी होकर जूबी की तरह होगी इसलिए वो खुश नहीं होगा जबकि उधर जूबी से जुदाई के बाद सैम जहाँ भी जाएगा इसकी ज़िंदगी में वो पुरानी रौनके वापस नहीं आएगी हंसना बोलना छोड़ देगा किसी से बात भी नहीं करेगा अगर करेगा भी तो बदतमीजी से दूसरी जानब आप देखेंगे कि झोबी के पास अब कोई ठिकाना नहीं बचा जहां वो रह सके हालांकि बेटी ने इसका जीना हराम कर दिया है अब ना तो वो घर वापस आ सकती है और ना ही सैम के पास जा सकती है अगर वो सामम को इस तरह अकेला ना छोड़ती और इस पर शक ना करती तो हो सकता है आज वो सैम के साथ होती असलामेकुम वीवर्स ड्रामा सीरियल मोहब्बत गुमशुदा मिरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे दनयाल को तो पहले ही अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है किसने जोबिया के साथ गलत किया है इस बात का जिक्र वो किसी के सामने नहीं करता आने वाली एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप देखेंगे दनियाल अभी तक जोबी की किए की, की सज़ा रोशना को दे रहा है इसके खाद जब बेटी की पैदाइश होगी तो वो रोशना से नाराज होकर चला जाएगा और इसे बोलेगा कि मुझे बेटी नहीं चाहिए थी क्योंकि ये भी बड़ी होकर जूबी की तरह होगी इसलिए वो खुश नहीं होगा जबकि उधर जूबी से जुदाई के बाद सैम जहाँ भी जाएगा इसकी ज़िंदगी में वो पुरानी रौनके वापस नहीं आएगी हंसना बोलना छोड़ देगा किसी से बात भी नहीं करेगा अगर करेगा भी तो बदतमीजी से दूसरी जानब आप देखेंगे कि जूबी के पास अब कोई ठिकाना नहीं बचा जहां वो रह सके हालांकि बीटी ने इसका जीना हराम कर दिया है अब ना तो वो घर वापस आ सकती है और ना ही के पास जा सकती है अगर वो को इस तरह अकेला ना छोड़ती और इस पर शक ना करती तो हो सकता है आज वो सैम के साथ होती असलास ड्रामा सीरियल मोहब्बत गुमशुदा शा के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे दनयाल को तो पहले ही अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है किसने जोबिया के साथ गलत किया है इस बात का जिक्र वो किसी के सामने नहीं करता आने वाली एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप देखेंगे दनियाल अभी तक जोबी की किए की, की सजा रोशना को दे रहा है इसके खाद हाँ जब बेटी की पैदाइश होगी तो वो रोशना से नाराज होकर चला जाएगा और इसे बोलेगा कि मुझे बेटी नहीं चाहिए थी क्योंकि ये भी बड़ी होकर जूबी की तरह होगी इसलिए वो खुश नहीं होगा जबकि उधर जूबी से जुदाई के बाद सैम जहाँ भी जाएगा इसकी ज़िंदगी में वो पुरानी रौनक वापस नहीं आएगी हंसना बोलना छोड़ देगा किसी से बात भी नहीं करेगा अगर करेगा भी तो बदतमीजी से दूसरी जानब आप देखेंगे कि जोबी के पास अब कोई ठिकाना नहीं बचा जहां वो रह सके हालांकि बेटी ने इसका जीना हराम कर दिया है अब ना तो घर वापस आ सकती है और ना ही के पास जा सकती है अगर वो को इस तरह अकेला ना छोड़ती और इस पर शक ना करती तो हो सकता है आज वो सैम के साथ होती असलास ड्रामा सीरियल मोहब्बत गुमशुदा मिरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे दनयाल को तो पहले ही अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है किसने जोबिया के साथ गलत किया है इस बात का जिक्र वो किसी के सामने नहीं करता आने वाली एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप देखेंगे दनियाल अभी तक ूबी की किए की, की सजा रोशना को दे रहा है इसके ख़वा हाँ जब बेटी की पैदाइश होगी तो वो रोशना से नाराज होकर चला जाएगा और इसे बोलेगा कि मुझे बेटी नहीं चाहिए थी क्योंकि ये भी बड़ी होकर ी की तरह होगी इसलिए वो खुश नहीं होगा जबकि उधर झोबी से जुदाई के बाद सैम जहाँ भी जाएगा इसकी ज़िंदगी में वो पुरानी रौन के वापस नहीं आएगी हंसना बोलना छोड़ देगा किसी से बात भी नहीं करेगा अगर करेगा भी तो बदतमीजी से दूसरी जानब आप देखेंगे कि झोबी के पास अब कोई ठिकाना नहीं बचा जहां वो रह सके हालांकि बेटी ने इसका जीना हराम कर दिया है अब ना तो वो घर वापस आ सकती है और ना ही के पास जा सकती है अगर वो को इस तरह अकेला ना छोड़ती और इस पर शक ना करती तो हो सकता है आज वो सैम के साथ होती असलास ड्रामा सीरियल मोहब्बत गुमशुदा शा के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे दनयाल को तो पहले ही अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है इसने जोबिया के साथ गलत किया है इस बात का जिक्र वो किसी के सामने नहीं करता आने वाली एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप देखेंगे दनियाल अभी तक जोबी की किए की, की सजा रोशना को दे रहा है इसके खा हाँ जब बेटी की पैदाइश होगी तो वो रोशना से नाराज होकर चला जाएगा और इसे बोलेगा कि मुझे बेटी नहीं चाहिए थी क्योंकि ये भी बड़ी होकर जूबी की तरह होगी इसलिए वो खुश नहीं होगा जबकि उधर जूबी से जुदाई के बाद सैम जहाँ भी जाएगा इसकी ज़िंदगी में वो पुरानी रौनके वापस नहीं आएगी हंसना बोलना छोड़ देगा किसी से बात भी नहीं करेगा अगर करेगा भी तो बदतमीजी से दूसरी जानब आप देखेंगे कि सूबी के पास अब कोई ठिकाना नहीं बचा जहां वो रह सके हालांकि बेटी ने इसका जीना हराम कर दिया है अब ना तो वो घर वापस आ सकती है और ना ही सैम के पास जा सकती है अगर वो सायम को इस तरह अकेला ना छोड़ती और इस पर शक ना करती तो हो सकता है आज वो सैम के साथ होती असलम वीबर्स ड्रामा सीरियल मोहब्बत गुमशुदा मिरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे धनियाल को तो पहले ही अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है कि इसने जोबिया के साथ गलत किया है इस बात का जिक्र वो किसी के सामने नहीं करता आने वाली एपिसोड की मकम्मल कहानी में आप देखेंगे धनियाल अभी तक जोबी की एक ही सज़ा रोशना को दे रहा है इसके खाद हाँ जब बेटी की पैदाइश होगी तो वो रोशन से नाराज होकर चला जाएगा और इसे बोलेगा कि मुझे बेटी नहीं चाहिए थी क्योंकि ये भी बड़ी होकर जूबी की तरह होगी इसलिए वो खुश नहीं होगा जबकि उधर जूबी से जुदाई के बाद सैम जहाँ भी जाएगा इसकी ज़िंदगी में वो पुरानी रौनक वापस नहीं आएगी हंसना बोलना छोड़ देगा किसी से बात भी नहीं करेगा अगर करेगा भी तो बदतमीजी से दूसरी जानब आप देखेंगे कि धोबी के पास अब कोई ठिकाना नहीं बचा जहां वो रह सके हालांकि बेटी ने इसका जीना हराम कर दिया है अब ना तो वो घर वापस आ सकती है और ना ही सैम के पास जा सकती है अगर वो साम को इस तरह अकेला ना छोड़ती और इस पर शक ना करती तो हो सकता है आज वो सैम के साथ होती असलास ड्रामा सीरियल मोहब्बत गुमशुदा शा के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे दनयाल को तो पहले ही अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है कि इसने के साथ गलत किया है इस बात का जिक्र वो किसी के सामने नहीं करता आने वाली एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप देखेंगे धनियाल अभी तक बी की की सजा रोशना को दे रहा है इसके हाथ जब बेटी की पैदाइश होगी तो वो रोशना से नाराज होकर चला जाएगा और इसे बोलेगा कि मुझे बेटी नहीं चाहिए थी क्योंकि ये भी बड़ी होकर बी की तरह होगी इसलिए वो खुश नहीं होगा जबकि उधर ूबी से जुदाई के बाद सैम जहाँ भी जाएगा इसकी ज़िंदगी में वो पुरानी रौनक वापस नहीं आएगी हंसना बोलना छोड़ देगा किसी से बात भी नहीं करेगा अगर करेगा भी तो बदतमीजी से दूसरी जानब आप देखेंगे कि धोबी के पास अब कोई ठिकाना नहीं बचा जहां वो रह सके हालांकि बेटी ने इसका जीना हराम कर दिया है अब ना तो वो घर वापस आ सकती है और ना ही सैम के पास जा सकती है अगर वो सायम को इस तरह अकेला ना छोड़ती और इस पर शक ना करती तो हो सकता है आज वो सैम के साथ होती वालेकुम वीबर्स ड्रामा सीरियल मोहब्बत गुमशुदा मिरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे दनयाल को तो पहले ही अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है कि इसने जोबिया के साथ गलत किया है इस बात का जिक्र वो किसी के सामने नहीं करता आने वाली एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप देखेंगे धनियाल अभी तक ूबी की किए की सजा रोशना को दे रहा है इसके हाथ जब बेटी की पेदाइश होगी तो वो रोशना से नाराज होकर चला जाएगा और इसे बोलेगा कि मुझे बेटी नहीं चाहिए थी क्योंकि ये भी बड़ी होकर ी की तरह होगी इसलिए वो खुश नहीं होगा जबकि उधर झूबी से जुदाई के बाद सैम जहाँ भी जाएगा इसकी जिंदगी में वो पुरानी रौन के वापस नहीं आएगी हंसना बोलना छोड़ देगा किसी से बात भी नहीं करेगा अगर करेगा भी तो बदतमीजी से दूसरी जानब आप देखेंगे कि धूबी के पास अब कोई ठिकाना नहीं बचा जहां वो रह सके हालांकि बेटी ने इसका जीना हराम कर दिया है अब ना तो वो घर वापस आ सकती है और ना ही सायम के पास जा सकती है अगर वो सायम को इस तरह अकेला ना छोड़ती और इस पर शक ना करती तो हो सकता है आज वो सैम के साथ होती वालेकुम वीबर्स ड्रामा सीरियल मोहब्बत गुमशुदा मिरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे धनियाल को तो पहले ही अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है कि इसने जोबिया के साथ गलत किया है इस बात का जिक्र वो किसी के सामने नहीं करता आने वाली एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप देखेंगे धनियाल अभी तक जोबी की किए की सज़ा रोशना को दे रहा है इसके खा जब बेटी की पैदाइश होगी तो वो रोशना से नाराज होकर चला जाएगा और इसे बोलेगा कि मुझे बेटी नहीं चाहिए थी क्योंकि ये भी बड़ी होकर जूबी की तरह होगी इसलिए वो खुश नहीं होगा जबकि उधर जूबी से जुदाई के बाद सैम जहाँ भी जाएगा इसकी ज़िंदगी में वो पुरानी रौन के वापस नहीं आएगी हंसना बोलना छोड़ देगा किसी से बात भी नहीं करेगा अगर करेगा भी तो बदतमीजी से दूसरी जानब आप देखेंगे कि झोबी के पास अब कोई ठिकाना नहीं बचा जहां वो रह सके हालांकि बेटी ने इसका जीना हराम कर दिया है अब ना तो वो घर वापस आ सकती है और ना ही सैम के पास जा सकती है अगर वो सामम को इस तरह अकेला ना छोड़ती और इस पर शक ना करती तो हो सकता है आज वो सैम के साथ होती अस्सलाम वालेकुम वीवर्स ड्रामा सीरियल मोहब्बत गुमशुदा मिरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे दनयाल को तो पहले ही अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है किसने जोबिया के साथ गलत किया है इस बात का जिक्र वो किसी के सामने नहीं करता आने वाली एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप देखेंगे धनियाल अभी तक जोबी की किए की, की सज़ा रोशना को दे रहा है इसके खाद हाँ जब बेटी की पेदाइश होगी तो वो रोशना से नाराज होकर चला जाएगा और इसे बोलेगा कि मुझे बेटी नहीं चाहिए थी क्योंकि ये भी बड़ी होकर जोबी की तरह होगी इसलिए वो खुश नहीं होगा जबकि उधर जोबी से जुदाई के बाद सैम जहाँ भी जाएगा इसकी ज़िंदगी में वो पुरानी रौनक वापस नहीं आएगी हंसना बोलना छोड़ देगा किसी से बात भी नहीं करेगा अगर करेगा भी तो बदतमीजी से दूसरी जानब आप देखेंगे कि जूबी के पास अब कोई ठिकाना नहीं बचा जहां वो रह सके हालांकि बीटी ने इसका जीना हराम कर दिया है अब ना तो वो घर वापस आ सकती है और ना ही के पास जा सकती है अगर वो को इस तरह अकेला ना छोड़ती और इस पर शक ना करती तो हो सकता है आज वो सैम के साथ होती असलास ड्रामा सीरियल मोहब्बत गुमशुदा शा मिरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे दनयाल को तो पहले ही अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है किसने जोबिया के साथ गलत किया है इस बात का जिक्र वो किसी के सामने नहीं करता आने वाली एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप देखेंगे दनियाल अभी तक जोबी की किए की, की सजा रोशना को दे रहा है इसके खाद हाँ जब बेटी की पैदाइश होगी तो वो रोशना से नाराज होकर चला जाएगा और इसे बोलेगा कि मुझे बेटी नहीं चाहिए थी क्योंकि ये भी बड़ी होकर जूबी की तरह होगी इसलिए वो खुश नहीं होगा जबकि उधर जूबी से जुदाई के बाद सैम जहाँ भी जाएगा इसकी ज़िंदगी में वो पुरानी रौनक वापस नहीं आएगी हंसना बोलना छोड़ देगा किसी से बात भी नहीं करेगा अगर करेगा भी तो बदतमीजी से दूसरी जानब आप देखेंगे कि जोबी के पास अब कोई ठिकाना नहीं बचा जहां वो रह सके हालांकि बेटी ने इसका जीना हराम कर दिया है अब ना तो घर वापस आ सकती है और ना ही सायम के पास जा सकती है अगर वो को इस तरह अकेला ना छोड़ती और इस पर शक ना करती तो हो सकता है आज वो सायम के साथ होती असलास ड्रामा सीरियल मोहब्बत गुमशुदा मिरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे दनयाल को तो पहले ही अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है किसने जोबिया के साथ गलत किया है इस बात का जिक्र वो किसी के सामने नहीं करता आने वाली एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप देखेंगे दनियाल अभी तक जोबी की किए की, की सज़ा रोशना को दे रहा है इसके खाद हाँ जब बेटी की पैदाइश होगी तो वो रोशना से नाराज होकर चला जाएगा और इसे बोलेगा कि मुझे बेटी नहीं चाहिए थी क्योंकि ये भी बड़ी होकर जूबी की तरह होगी इसलिए वो खुश नहीं होगा जबकि उधर जूबी से जुदाई के बाद सैम जहाँ भी जाएगा इसकी ज़िंदगी में वो पुरानी रौन के वापस नहीं आएगी हंसना बोलना छोड़ देगा किसी से बात भी नहीं करेगा अगर करेगा भी तो बदतमीजी से दूसरी जानब आप देखेंगे कि झोबी के पास अब कोई ठिकाना नहीं बचा जहां वो रह सके हालांकि बेटी ने इसका जीना हराम कर दिया है अब ना तो वो घर वापस आ सकती है और ना ही सैम के पास जा सकती है अगर वो सैम को इस तरह अकेला ना छोड़ती और इस पर शक ना करती तो हो सकता है आज वो सैम के साथ होती अस्सलाम वालेकुम वीबर्स ड्रामा सीरियल मोहब्बत गुमशुदा शा मीरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे दनयाल को तो पहले ही अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है किसने जोबिया के साथ गलत किया है इस बात का जिक्र वो किसी के सामने नहीं करता आने वाली एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप देखेंगे दनियाल अभी तक जोबी की किए की, की सजा रोशना को दे रहा है इसके खा हाँ जब बेटी की पैदाइश होगी तो वो रोशना से नाराज होकर चला जाएगा और इसे बोलेगा कि मुझे बेटी नहीं चाहिए थी क्योंकि ये भी बड़ी होकर जूबी की तरह होगी इसलिए वो खुश नहीं होगा जबकि उधर जूबी से जुदाई के बाद सैम जहाँ भी जाएगा इसकी ज़िंदगी में वो पुरानी रौनके वापस नहीं आएगी हंसना बोलना छोड़ देगा किसी से बात भी नहीं करेगा अगर करेगा भी तो बदतमीजी से दूसरी जानब आप देखेंगे कि सूबी के पास अब कोई ठिकाना नहीं बचा जहां वो रह सके हालांकि बेटी ने इसका जीना हराम कर दिया है अब ना तो वो घर वापस आ सकती है और ना ही सामम के पास जा सकती है अगर वो को इस तरह अकेला ना छोड़ती और इस पर शक ना करती तो हो सकता है आज वो सैम के साथ होती असलास ड्रामा सीरियल मोहब्बत गुमशुदा मिरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे दनयाल को तो पहले ही अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है किसने जोबिया के साथ गलत किया है इस बात का जिक्र वो किसी के सामने नहीं करता आने वाली एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप देखेंगे धनियाल अभी तक जोबी की किए की सजा रोशना को दे रहा है इसके खा हाँ जब बेटी की पैदाइश होगी तो वो रोशना से नाराज होकर चला जाएगा और इसे बोलेगा कि मुझे बेटी नहीं चाहिए थी क्योंकि ये भी बड़ी होकर जूबी की तरह होगी इसलिए वो खुश नहीं होगा जबकि उधर जूबी से जुदाई के बाद सैम जहाँ भी जाएगा इसकी ज़िंदगी में वो पुरानी रौनक वापस नहीं आएगी हंसना बोलना छोड़ देगा किसी से बात भी नहीं करेगा अगर करेगा भी तो बदतमीजी से दूसरी जानब आप देखेंगे कि जूबी के पास अब कोई ठिकाना नहीं बचा जहां वो रह सके हालांकि बेटी ने इसका जीना हराम कर दिया है अब ना तो वो घर वापस आ सकती है और ना ही सैम के पास जा सकती है अगर वो सामम को इस तरह अकेला ना छोड़ती और इस पर शक ना करती तो हो सकता है आज वो सैम के साथ होती असलामकुम वीबर्स ड्रामा सीरियल मोहब्बत गुमशुदा शा के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे दनयाल को तो पहले ही अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है किसने जोबिया के साथ गलत किया है इस बात का जिक्र वो किसी के सामने नहीं करता आने वाली एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप देखेंगे दनियाल अभी तक जोबी की किए की सज़ा रोशना को दे रहा है इसके खाद हाँ जब बेटी की पैदाइश होगी तो वो रोशना से नाराज होकर चला जाएगा और इसे बोलेगा कि मुझे बेटी नहीं चाहिए थी क्योंकि ये भी बड़ी होकर जूबी की तरह होगी इसलिए वो खुश नहीं होगा जबकि उधर जूबी से जुदाई के बाद सैम जहाँ भी जाएगा इसकी ज़िंदगी में वो पुरानी रौनके वापस नहीं आएगी हंसना बोलना छोड़ देगा किसी से बात भी नहीं करेगा अगर करेगा भी तो बदतमीजी से दूसरी जानब आप देखेंगे कि झूबी के पास अब कोई ठिकाना नहीं बचा जहां वो रह सके हालांकि बेटी ने इसका जीना हराम कर दिया है अब ना तो वो घर वापस आ सकती है और ना ही के पास जा सकती है अगर वो को इस तरह अकेला ना छोड़ती और इस पर शक ना करती तो हो सकता है आज वो सैम के साथ होती अस्सलाम वालेकुम असलास ड्रामा सीरियल मोहब्बत गुमशुदा शा के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे दनयाल को तो पहले ही अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है किसने जोबिया के साथ गलत किया है इस बात का जिक्र वो किसी के सामने नहीं करता आने वाली एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप देखेंगे धनियाल अभी तक ूबी की किए की, की सजा रोशना को दे रहा है इसके हाथ जब बेटी की पैदाइश होगी तो वो रोशना से नाराज होकर चला जाएगा और इसे बोलेगा कि मुझे बेटी नहीं चाहिए थी क्योंकि ये भी बड़ी होकर बी की तरह होगी इसलिए वो खुश नहीं होगा जबकि उधर बी से जुदाई के बाद सैम जहाँ भी जाएगा इसकी ज़िंदगी में वो पुरानी रौनक वापस नहीं आएगी हंसना बोलना छोड़ देगा किसी से बात भी नहीं करेगा अगर करेगा भी तो बदतमीजी से दूसरी जानब आप देखेंगे कि जोबी के पास अब कोई ठिकाना नहीं बचा जहां वो रह सके हालांकि बेटी ने इसका जीना हराम कर दिया है अब ना तो घर वापस आ सकती है और ना ही के पास जा सकती है अगर वो को इस तरह अकेला ना छोड़ती और इस पर शक ना करती तो हो सकता है आज वो सब के साथ होती असलास ड्रामा सीरियल मोहब्बत गुमशुदा मिरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे दनयाल को तो पहले ही अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है कि इसने के साथ गलत किया है इस बात का ज़िक्र वो किसी के सामने नहीं करता आने वाली एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप देखेंगे धनियाल अभी तक ूबी की किए की, की सजा रोशना को दे रहा है इसके खाद हाँ जब बेटी की पैदाइश होगी तो वो रोशना से नाराज होकर चला जाएगा और इसे बोलेगा कि मुझे बेटी नहीं चाहिए थी क्योंकि ये भी बड़ी होकर बी की तरह होगी इसलिए वो खुश नहीं होगा जबकि उधर झोबी से जुदाई के बाद सैम जहाँ भी जाएगा इसकी ज़िंदगी में वो पुरानी रौनक वापस नहीं आएगी हंसना बोलना छोड़ देगा किसी से बात भी नहीं करेगा अगर करेगा भी तो बदतमीजी से दूसरी जानब आप देखेंगे कि जूबी के पास अब कोई ठिकाना नहीं बचा जहां वो रह सके हालांकि बेटी ने इसका जीना हराम कर दिया है अब ना तो वो घर वापस आ सकती है और ना ही सैम के पास जा सकती है अगर वो सायम को इस तरह अकेला ना छोड़ती और इस पर शक ना करती तो हो सकता है आज वो सैम के साथ होती वालेकुम वीबर्स ड्रामा सीरियल मोहब्बत गुमशुदा शजा मिरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे दनयाल को तो पहले ही अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है कि इसने जोबिया के साथ गलत किया है इस बात का जिक्र वो किसी के सामने नहीं करता आने वाली एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप देखेंगे धनियाल अभी तक ूबी की किए की, की सज़ा रोशना को दे रहा है इसके हाथ जब बेटी की पैदाइश होगी तो वो रोशना से नाराज होकर चला जाएगा और इसे बोलेगा कि मुझे बेटी नहीं चाहिए थी क्योंकि ये भी बड़ी होकर ी की तरह होगी इसलिए वो खुश नहीं होगा जबकि उधर बी से जुदाई के बाद सैम जहाँ भी जाएगा इसकी ज़िंदगी में वो पुरानी रौनक वापस नहीं आएगी हंसना बोलना छोड़ देगा किसी से बात भी नहीं करेगा अगर करेगा भी तो बदतमीजी से दूसरी जानब आप देखेंगे कि जूबी के पास अब कोई ठिकाना नहीं बचा जहां वो रह सके हालांकि बेटी ने इसका जीना हराम कर दिया है अब ना तो वो घर वापस आ सकती है और ना ही सायम के पास जा सकती है अगर वो सायम को इस तरह अकेला ना छोड़ती और इस पर शक ना करती तो हो सकता है आज वो सैम के साथ होती वालेकुम वीबर्स ड्रामा सीरियल मोहब्बत गुमशुदा मिरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे धनियाल को तो पहले ही अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है कि इसने जोबिया के साथ गलत किया है इस बात का जिक्र वो किसी के सामने नहीं करता आने वाली एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप देखेंगे धनियाल अभी तक जोबी की किए की, की, की सजा रोशना को दे रहा है इसके खाद हाँ बेटी की पैदाइश होगी तो वो रोशना से नाराज होकर चला जाएगा और इसे बोलेगा कि मुझे बेटी नहीं चाहिए थी क्योंकि ये भी बड़ी होकर जूबी की तरह होगी इसलिए वो खुश नहीं होगा जबकि उधर जूबी से जुदाई के बाद सैम जहाँ भी जाएगा इसकी ज़िंदगी में वो पुरानी रौनक वापस नहीं आएगी हंसना बोलना छोड़ देगा किसी से बात भी नहीं करेगा अगर करेगा भी तो बदतमीजी से दूसरी जानब आप देखेंगे कि सूबी के पास अब कोई ठिकाना नहीं बचा जहां वो रह सके हालांकि बेटी ने इसका जीना हराम कर दिया है अब ना तो वो घर वापस आ सकती है और ना ही सामम के पास जा सकती है अगर वो साम को इस तरह अकेला ना छोड़ती और इस पर शक ना करती तो हो सकता है आज वो सैम के साथ होती असलास ड्रामा सीरियल मोहब्बत गुमशुदा मिरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे दनियाल को तो पहले ही अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है किसने जोबिया के साथ गलत किया है इस बात का जिक्र वो किसी के सामने नहीं करता आने वाली एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप देखेंगे दनियाल अभी तक जोबी की किए की, की सज़ा रोशना को दे रहा है इसके खाद हाँ जब बेटी की पैदाइश होगी तो वो रोशना से नाराज होकर चला जाएगा और इसे बोलेगा कि मुझे बेटी नहीं चाहिए थी क्योंकि ये भी बड़ी होकर जूबी की तरह होगी इसलिए वो खुश नहीं होगा जबकि उधर जूबी से जुदाई के बाद सैम जहाँ भी जाएगा इसकी ज़िंदगी में वो पुरानी रौनके वापस नहीं आएगी हंसना बोलना छोड़ देगा किसी से बात भी नहीं करेगा अगर करेगा भी तो बदतमीजी से दूसरी जानब आप देखेंगे कि जूबी के पास अब कोई ठिकाना नहीं बचा जहां वो रह सके हालांकि बेटी ने इसका जीना हराम कर दिया है अब ना तो वो घर वापस आ सकती है और ना ही सैम के पास जा सकती है अगर वो सैम को इस तरह अकेला ना छोड़ती और इस पर शक ना करती तो हो सकता है आज वो सैम के साथ होती अस्सलाम वालेकुम वीबर्स ड्रामा सीरियल मोहब्बत गुमशुदा शा के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे दनयाल को तो पहले ही अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है किसने जोबिया के साथ गलत किया है इस बात का जिक्र वो किसी के सामने नहीं करता आने वाली एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप देखेंगे दनियाल अभी तक जोबी की किए की, की सजा रोशना को दे रहा है इसके खा हाँ जब बेटी की पैदाइश होगी तो वो रोशना से नाराज होकर चला जाएगा और इसे बोलेगा कि मुझे बेटी नहीं चाहिए थी क्योंकि ये भी बड़ी होकर जूबी की तरह होगी इसलिए वो खुश नहीं होगा जबकि उधर जूबी से जुदाई के बाद सैम जहाँ भी जाएगा इसकी ज़िंदगी में वो पुरानी रौनके वापस नहीं आएगी हंसना बोलना छोड़ देगा किसी से बात भी नहीं करेगा अगर करेगा भी तो बदतमीजी से दूसरी जानब आप देखेंगे कि सूबी के पास अब कोई ठिकाना नहीं बचा जहां वो रह सके हालांकि बेटी ने इसका जीना हराम कर दिया है अब ना तो घर वापस आ सकती है और ना ही के पास जा सकती है अगर वो को इस तरह अकेला ना छोड़ती और इस पर शक ना करती तो हो सकता है आज वो सब के साथ होती असलास ड्रामा सीरियल मोहब्बत गुमशुदा मिरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे दनयाल को तो पहले ही अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है किसने जोबिया के साथ गलत किया है इस बात का जिक्र वो किसी के सामने नहीं करता आने वाली एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप देखेंगे धनियाल अभी तक जोबी की किए की सजा रोशना को दे रहा है इसके खाजब हाँ बेटी की पैदाइश होगी तो वो रोशना से नाराज होकर चला जाएगा और इसे बोलेगा कि मुझे बेटी नहीं चाहिए थी क्योंकि ये भी बड़ी होकर जूबी की तरह होगी इसलिए वो खुश नहीं होगा जबकि उधर जूबी से जुदाई के बाद सैम जहाँ भी जाएगा इसकी ज़िंदगी में वो पुरानी रौन के वापस नहीं आएगी हंसना बोलना छोड़ देगा किसी से बात भी नहीं करेगा अगर करेगा भी तो बदतमीजी से दूसरी जानब आप देखेंगे कि जूबी के पास अब कोई ठिकाना नहीं बचा जहां वो रह सके हालांकि बेटी ने इसका जीना हराम कर दिया है अब ना तो वो घर वापस आ सकती है और ना ही सैम के पास जा सकती है अगर वो साम को इस तरह अकेला ना छोड़ती और इस पर शक ना करती तो हो सकता है आज वो सैम के साथ होती असलाकुम वीबर्स ड्रामा सीरियल मोहब्बत गुमशुदा शा के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे दनयाल को तो पहले ही अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है किसने जोबिया के साथ गलत किया है इस बात का जिक्र वो किसी के सामने नहीं करता आने वाली एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप देखेंगे दनियाल अभी तक जोबी की किए की सज़ा रोशना को दे रहा है इसके खाद हाँ जब बेटी की पैदाइश होगी तो वो रोशना से नाराज होकर चला जाएगा और इसे बोलेगा कि मुझे बेटी नहीं चाहिए थी क्योंकि ये भी बड़ी होकर जूबी की तरह होगी इसलिए वो खुश नहीं होगा जबकि उधर जूबी से जुदाई के बाद सैम जहाँ भी जाएगा इसकी ज़िंदगी में वो पुरानी रौनके वापस नहीं आएगी हंसना बोलना छोड़ देगा किसी से बात भी नहीं करेगा अगर करेगा भी तो बदतमीजी से दूसरी जानब आप देखेंगे कि सूबी के पास अब कोई ठिकाना नहीं बचा जहां वो रह सके हालांकि बेटी ने इसका जीना हराम कर दिया है अब ना तो वो घर वापस आ सकती है और ना ही सायम के पास जा सकती है अगर वो सायम को इस तरह अकेला ना छोड़ती और इस पर शक ना करती तो हो सकता है आज वो सायम के साथ होती अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स ड्रामा सीरियल मोहब्बत गुमशुदा मेरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे दनयाल को तो पहले ही अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है किसने जोबिया के साथ गलत किया है इस बात का जिक्र वो किसी के सामने नहीं करता आने वाली एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप देखेंगे दनियाल अभी तक जोबी की किए की, की सजा रोशना को दे रहा है इसके खा हाँ बेटी की पैदाइश होगी तो वो रोशना से नाराज होकर चला जाएगा और इसे बोलेगा कि मुझे बेटी नहीं चाहिए थी क्योंकि ये भी बड़ी होकर जूबी की तरह होगी इसलिए वो खुश नहीं होगा जबकि उधर जूबी से जुदाई के बाद सायम जहाँ भी जाएगा इसकी ज़िंदगी में वो पुरानी रौनके वापस नहीं आएगी हंसना बोलना छोड़ देगा किसी से बात भी नहीं करेगा अगर करेगा भी तो बदतमीजी से दूसरी जानब आप देखेंगे कि जोबी के पास अब कोई ठिकाना नहीं बचा जहां वो रह सके हालांकि बेटी ने इसका जीना हराम कर दिया है अब ना तो घर वापस आ सकती है और ना ही के पास जा सकती है अगर वो को इस तरह अकेला ना छोड़ती और इस पर शक ना करती तो हो सकता है आज वो सब के साथ होती असलास ड्रामा सीरियल मोहब्बत गुमशुदा मिरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे दनयाल को तो पहले ही अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है किसने जोबिया के साथ गलत किया है इस बात का जिक्र वो किसी के सामने नहीं करता आने वाली एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप देखेंगे धनियाल अभी तक जोबी की किए की सजा रोशना को दे रहा है इसके खाद हाँ जब बेटी की पैदाइश होगी तो वो रोशना से नाराज होकर चला जाएगा और इसे बोलेगा कि मुझे बेटी नहीं चाहिए थी क्योंकि ये भी बड़ी होकर जूबी की तरह होगी इसलिए वो खुश नहीं होगा जबकि उधर जूबी से जुदाई के बाद सैम जहाँ भी जाएगा इसकी ज़िंदगी में वो पुरानी रौन के वापस नहीं आएगी हंसना बोलना छोड़ देगा किसी से बात भी नहीं करेगा अगर करेगा भी तो बदतमीजी से दूसरी जानब आप देखेंगे कि झूबी के पास अब कोई ठिकाना नहीं बचा जहां वो रह सके हालांकि बेटी ने इसका जीना हराम कर दिया है अब ना तो वो घर वापस आ सकती है और ना ही सैम के पास जा सकती है अगर वो सामम को इस तरह अकेला ना छोड़ती और इस पर शक ना करती तो हो सकता है आज वो सैम के साथ होती अस्सलाम वालेकुम वीवर्स ड्रामा सीरियल मोहब्बत गुमशुदा मिरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे दनयाल को तो पहले ही अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है किसने जोबिया के साथ गलत किया है इस बात का जिक्र वो किसी के सामने नहीं करता आने वाली एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप देखेंगे दनियाल अभी तक जोबी की किए की, की सजा रोशना को दे रहा है इसके खा जब बेटी की पैदाइश होगी तो वो रोशना से नाराज होकर चला जाएगा और इसे बोलेगा कि मुझे बेटी नहीं चाहिए थी क्योंकि ये भी बड़ी होकर जूबी की तरह होगी इसलिए वो खुश नहीं होगा जबकि उधर जूबी से जुदाई के बाद सैम जहाँ भी जाएगा इसकी ज़िंदगी में वो पुरानी रौनके वापस नहीं आएगी हंसना बोलना छोड़ देगा किसी से बात भी नहीं करेगा अगर करेगा भी तो बदतमीजी से दूसरी जानब आप देखेंगे कि जूबी के पास अब कोई ठिकाना नहीं बचा जहां वो रह सके हालांकि बीटी ने इसका जीना हराम कर दिया है अब ना तो वो घर वापस आ सकती है और ना ही के पास जा सकती है अगर वो को इस तरह अकेला ना छोड़ती और इस पर शक ना करती तो हो सकता है आज वो सैम के साथ होती असलास ड्रामा सीरियल मोहब्बत गुमशुदा शा मिरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे दनयाल को तो पहले ही अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है कि इसने के साथ गलत किया है इस बात का जिक्र वो किसी के सामने नहीं करता आने वाली एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप देखेंगे धनियाल अभी तक ूबी की, की, की सजा रोशना को दे रहा है इसके खाद हाँ जब बेटी की पैदाइश होगी तो वो रोशना से नाराज होकर चला जाएगा और इसे बोलेगा कि मुझे बेटी नहीं चाहिए थी क्योंकि ये भी बड़ी होकर ी की तरह होगी इसलिए वो खुश नहीं होगा जबकि उधर झूबी से जुदाई के बाद सैम जहाँ भी जाएगा इसकी जिंदगी में वो पुरानी रौन के वापस नहीं आएगी हंसना बोलना छोड़ देगा किसी से बात भी नहीं करेगा अगर करेगा भी तो बदतमीजी से दूसरी जानब आप देखेंगे कि सूबी के पास अब कोई ठिकाना नहीं बचा जहां वो रह सके हालांकि बेटी ने इसका जीना हराम कर दिया है अब ना तो वो घर वापस आ सकती है और ना ही सायम के पास जा सकती है अगर वो सायम को इस तरह अकेला ना छोड़ती और इस पर शक ना करती तो हो सकता है आज वो सैम के साथ होती असलम वीबर्स ड्रामा सीरियल मोहब्बत गुमशुदा मिरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे धनियाल को तो पहले ही अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है कि इसने जोबिया के साथ गलत किया है इस बात का जिक्र वो किसी के सामने नहीं करता आने वाली एपिसोड की मकम्मल कहानी में आप देखेंगे धनियाल अभी तक जोबी की एक ही सज़ा रोशना को दे रहा है इसके खा हाँ बेटी की पैदाइश होगी तो वो रोशना से नाराज होकर चला जाएगा और इसे बोलेगा कि मुझे बेटी नहीं चाहिए थी क्योंकि ये भी बड़ी होकर जूबी की तरह होगी इसलिए वो खुश नहीं होगा जबकि उधर जूबी से जुदाई के बाद सैम जहाँ भी जाएगा इसकी ज़िंदगी में वो पुरानी रौनके वापस नहीं आएगी हंसना बोलना छोड़ देगा किसी से बात भी नहीं करेगा अगर करेगा भी तो बदतमीजी से दूसरी जानब आप देखेंगे कि झूबी के पास अब कोई ठिकाना नहीं बचा जहां वो रह सके हालांकि बेटी ने इसका जीना हराम कर दिया है अब ना तो वो घर वापस आ सकती है और ना ही सैम के पास जा सकती है अगर वो सैम को इस तरह अकेला ना छोड़ती और इस पर शक ना करती तो हो सकता है आज वो सैम के साथ होती अस्सलाम वालेकुम वीबर्स ड्रामा सीरियल मोहब्बत गुमशुदा शा मीरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे दनयाल को तो पहले ही अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है इसने जोबिया के साथ गलत किया है इस बात का जिक्र वो किसी के सामने नहीं करता आने वाली एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप देखेंगे दनियाल अभी तक जोबी की किए की, की सजा रोशना को दे रहा है इसके खा हाँ जब बेटी की पैदाइश होगी तो वो रोशना से नाराज होकर चला जाएगा और इसे बोलेगा कि मुझे बेटी नहीं चाहिए थी क्योंकि ये भी बड़ी होकर जूबी की तरह होगी इसलिए वो खुश नहीं होगा जबकि उधर जूबी से जुदाई के बाद सायम जहाँ भी जाएगा इसकी ज़िंदगी में वो पुरानी रौनक वापस नहीं आएगी हंसना बोलना छोड़ देगा किसी से बात भी नहीं करेगा अगर करेगा भी तो बदतमीजी से दूसरी जानब आप देखेंगे कि सूबी के पास अब कोई ठिकाना नहीं बचा जहां वो रह सके हालांकि बेटी ने इसका जीना हराम कर दिया है अब ना तो घर वापस आ सकती है और ना ही के पास जा सकती है अगर वो को इस तरह अकेला ना छोड़ती और इस पर शक ना करती तो हो सकता है आज वो सब के साथ होती असलास ड्रामा सीरियल मोहब्बत गुमशुदा मिरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे दनयाल को तो पहले ही अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है किसने जोबिया के साथ गलत किया है इस बात का जिक्र वो किसी के सामने नहीं करता आने वाली एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप देखेंगे दनियाल अभी तक जोबी की किए की सजा रोशना को दे रहा है इसके खा हाँ जब बेटी की पैदाइश होगी तो वो रोशना से नाराज होकर चला जाएगा और इसे बोलेगा कि मुझे बेटी नहीं चाहिए थी क्योंकि ये भी बड़ी होकर जूबी की तरह होगी इसलिए वो खुश नहीं होगा जबकि उधर जूबी से जुदाई के बाद सैम जहाँ भी जाएगा इसकी ज़िंदगी में वो पुरानी रौन के वापस नहीं आएगी हंसना बोलना छोड़ देगा किसी से बात भी नहीं करेगा अगर करेगा भी तो बदतमीजी से दूसरी जानब आप देखेंगे कि जूबी के पास अब कोई ठिकाना नहीं बचा जहां वो रह सके हालांकि बेटी ने इसका जीना हराम कर दिया है अब ना तो वो घर वापस आ सकती है और ना ही सैम के पास जा सकती है अगर वो सामम को इस तरह अकेला ना छोड़ती और इस पर शक ना करती तो हो सकता है आज वो सैम के साथ होती असलामकुम वीबर्स ड्रामा सीरियल मोहब्बत गुमशुदा शा के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे दनयाल को तो पहले ही अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है किसने जोबिया के साथ गलत किया है इस बात का जिक्र वो किसी के सामने नहीं करता आने वाली एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप देखेंगे दनियाल अभी तक जोबी की किए की सज़ा रोशना को दे रहा है इसके खाद हाँ जब बेटी की पैदाइश होगी तो वो रोशना से नाराज होकर चला जाएगा और इसे बोलेगा कि मुझे बेटी नहीं चाहिए थी क्योंकि ये भी बड़ी होकर जूबी की तरह होगी इसलिए वो खुश नहीं होगा जबकि उधर जूबी से जुदाई के बाद सैम जहाँ भी जाएगा इसकी ज़िंदगी में वो पुरानी रौनके वापस नहीं आएगी हंसना बोलना छोड़ देगा किसी से बात भी नहीं करेगा अगर करेगा भी तो बदतमीजी से दूसरी जानब आप देखेंगे कि सूबी के पास अब कोई ठिकाना नहीं बचा जहां वो रह सके हालांकि बेटी ने इसका जीना हराम कर दिया है अब ना तो वो घर वापस आ सकती है और ना ही सायम के पास जा सकती है अगर वो सायम को इस तरह अकेला ना छोड़ती और इस पर शक ना करती तो हो सकता है आज वो सायम के साथ होती अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स ड्रामा सीरियल मोहब्बत गुमशुदा मेरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे दनयाल को तो पहले ही अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है किसने जोबिया के साथ गलत किया है इस बात का जिक्र वो किसी के सामने नहीं करता आने वाली एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप देखेंगे दनियाल अभी तक जोबी की, की सजा रोशना को दे रहा है इसके खाद हाँ जब बेटी की पैदाइश होगी तो वो रोशना से नाराज होकर चला जाएगा और इसे बोलेगा कि मुझे बेटी नहीं चाहिए थी क्योंकि ये भी बड़ी होकर जूबी की तरह होगी इसलिए वो खुश नहीं होगा जबकि उधर जूबी से जुदाई के बाद सायम जहाँ भी जाएगा इसकी ज़िंदगी में वो पुरानी रौनके वापस नहीं आएगी हंसना बोलना छोड़ देगा किसी से बात भी नहीं करेगा अगर करेगा भी तो बदतमीजी से दूसरी जानब आप देखेंगे कि जोबी के पास अब कोई ठिकाना नहीं बचा जहां वो रह सके हालांकि बेटी ने इसका जीना हराम कर दिया है अब ना तो घर वापस आ सकती है और ना ही के पास जा सकती है अगर वो को इस तरह अकेला ना छोड़ती और इस पर शक ना करती तो हो सकता है आज वो सब के साथ होती असलास ड्रामा सीरियल मोहब्बत गुमशुदा मिरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे दनयाल को तो पहले ही अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है किसने जोबिया के साथ गलत किया है इस बात का जिक्र वो किसी के सामने नहीं करता आने वाली एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप देखेंगे दनियाल अभी तक जोबी की किए की सजा रोशना को दे रहा है इसके खाद हाँ जब बेटी की पैदाइश होगी तो वो रोशना से नाराज होकर चला जाएगा और इसे बोलेगा कि मुझे बेटी नहीं चाहिए थी क्योंकि ये भी बड़ी होकर जूबी की तरह होगी इसलिए वो खुश नहीं होगा जबकि उधर जूबी से जुदाई के बाद सैम जहाँ भी जाएगा इसकी ज़िंदगी में वो पुरानी रौन के वापस नहीं आएगी हंसना बोलना छोड़ देगा किसी से बात भी नहीं करेगा अगर करेगा भी तो बदतमीजी से दूसरी जानब आप देखेंगे कि जूबी के पास अब कोई ठिकाना नहीं बचा जहां वो रह सके हालांकि बेटी ने इसका जीना हराम कर दिया है अब ना तो वो घर वापस आ सकती है और ना ही सैम के पास जा सकती है अगर वो सायम को इस तरह अकेला ना छोड़ती और इस पर शक ना करती तो हो सकता है आज वो सैम के साथ होती